हुई और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दो मध्यस्थ नियुक्त किए गए। कोर्ट की ओर से जो मध्यस्थ नियुक्त किए गए हैं वो शाहीनबाग में जाकर वहां पर जो प्रदर्शनकारी हैं उनसे कल बातचीत करने जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों से बातचीत करके वैकल्पिक स्थान पर जाने के लिए ये बातचीत करने की ये दोनों ही मध्यस्थ जो नियुक्त किए गए हैं ये वहां पर जाएंगे और उसके साथ ही उन लोगों से बातचीत करने की तमाम कोशिश करेंगे। संजय हेगड़े वरिष्ठ वकील हैं, उनको भी एक वार्ताकार के रूप में नियुक्त किया गया है जो शाहीनबाग में लोगों से जाकर बातचीत करेंगे। इसके साथ ही साधना जिन्हें नियुक्त किया गया है वो भी जाएंगी और वहां पर शाहीनबाग के लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो शाहीनबाग पर कल मध्यस्थ तो बातचीत तो करेंगे, लेकिन इससे पहले शाहीनबाग के लोगों का क्या कुछ कहना है, जिस तरह से कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है वो जरा आप सुन लीजिए। तो मैंने कहा देखिए, यहाँ कोई लीड कर रहा तो है नहीं, कोई फेस है नहीं, कोई लीडर है नहीं। पूरे हिंदुस्तान में ये पहला प्रोटेस्ट ऐसा है पूरे हिंदुस्तान में जो फेसलेस है, लीडरलेस है, है नहीं। यहाँ की महिलाएं, यहाँ की दादियाँ इसको चला रही हैं और मेरे ख्याल से जहाँ हिंदुस्तान में चला है वहाँ हर जगह औरतें ही लीड कर रही हैं इसको। तो ये बात आई थी, उसके बाद उन्होंने बोला कि कोई बेस्ट ऑप्शन दे। उसके बाद ये बातें निकली कि ठीक है कोई मीडिएटर अपॉइंट करते हैं, तो उसमें संजय हेगड़े जी को बुलाया गया और दो और जो जज हैं साधना रामचंद्रन और वजाहत हबीबुल्लाह साहब को, कि ये लोग जाएंगे और वहाँ पे जाके बात करेंगे, लोगों को समझाएंगे। तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि वहाँ से एक कदम बढ़े, मतलब एक शुरुआत हुई। आपको लगता है कि अच्छा कदम मानते हैं इसकी? बिल्कुल, हम अच्छा कदम मानते हैं। ये हमारे लिए, शाहीनबाग के लोगों के लिए अच्छा कदम है, कि यहाँ शाहीनबाग के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में जो झूठ बोला जा रहा है, यहाँ विरोध जो है देश विरोधी लोग बैठे हैं, उग्र लोग बैठे हैं, आतंकवाद बैठे हैं, ठीक है ना। इस चीज़ को एक तो क्लियरिफिकेशन मिलेगी, दूसरी चीज़ जो हम पे इल्ज़ाम लगता है कि इन्होंने पूरा दिल्ली को हाईजैक कर लिया है, अपोलो से रोड बंद कर रखा है इन्होंने, सुपरनोवा से रोड बंद कर रखा है, तो ये चीज़ें खुलेंगी, ओपनली होगा और वो ओपन हम नहीं करेंगे, ये उनके लोग आके करेंगे कि भाई मध्यस्थ कमेटी वो ओपन करेगी। बिल्कुल करेगी और हमको दिखाएंगे कि सर हम यहाँ से यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सोनू, ये दो बहुत अहम चीजें हैं। एक पहला सवाल ये कि कल अगर मध्यस्थ कमेटी आती है और वो आपसे कहती है कि रोड खाली करिए, तब आप क्या कहेंगे, या वो आपसे अगर आपकी राय जानना चाहते हैं तब आप क्या करेंगे? देखिए, वो आएंगे, वो हमसे बात करेंगे, अगर वो आते ही कह देंगे कि एक रोड खाली कर दिए तो ऐसा लगेगा हमारे मुंह पे तमाचा मार दिया। हम चाहते हैं कि एक हाथ उनका बढ़े, एक हाथ हमारा बढ़े, हम ताली बजाए। अगर एक हाथ से अगर उन्होंने बढ़ाया तो वो हमारे मुंह पे थप्पड़ है। तो हम चाहते हैं कि वो आए, पहले वो हमसे समझे, हमारी डिमांड समझे, हम उनकी बात समझे और बीच का कोई रास्ता निकले। देखिए, ऐसा नहीं होगा कि वो आएंगे कहेंगे खाली कर दो तो हम खाली कर दें। बाकी बहरहाल जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पास करेगा वो सराखों पर हम उस चीज़ को मानेंगे, लेकिन हम ये भी चाहेंगे कि वो हमारे भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना करे, भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना करे। आप शुरुआत से आ रहे हैं, सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। तमाम दर्शक आज आपको देख रहे हैं और देश भर के तमाम सिख यहाँ डेरा डाले हुए हैं, इसलिए जरूरी है कि आपका वर्जन भी लिया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जोगिंदर सिंह है, मैं पंजाब से आया हूँ अपने मुस्लिम भाइयों की मदद के लिए, जो इनके साथ गलत कानून बना के किया जा रहा है, दुर्व्यवहार किया जा रहा है। बाकी बात मैं ये कहनी चाहता हूँ कि जो फैलाया जा रहा है कि सड़क बंद है, रास्ता बंद है, वो बिल्कुल ही गलत है। रास्ता बिल्कुल चल रहा है, जो शाहीन बाग का धरना है वो साइड पे लगा हुआ है खुंजे में, आप देख सकते हैं आप इधर कैमरा घुमा के, कि रास्ता एक तरफ से खुला है पर आगे से पुलिस ने बंद कर रखा है। मेरा कहना ये है कि ये पुलिस को उठा लेंगे तो रास्ता अपने आप चालू हो जाएगा। सो ये मसला नहीं है कि रास्ता बंद है, रास्ते की कोई किसी को तकलीफ नहीं है, सिर्फ तकलीफ है तो ये कानून की है, जो गलत कानून बना रखा है उसको, कानून को ख़त्म करें। और ये जो केस भी डाला है, ये डालना तो ये चाहिए था कि ये जो कानून है इसको ख़त्म किया जाए और उल्टा डाल दिया कि रास्ता खुलवाया जाए। रास्ता तो बंद ही नहीं है, हमने तो बंद ही नहीं किया। ये हुआ था कि कुछ लोग यहाँ फायर करते हुए भी नजर आए थे जिनको पकड़ा भी गया था। बहरहाल अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, आप शुरुआत से यहाँ आ रहे हैं, अब जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता कमेटी के पास भेज दिया है पूरा रोड खोलने को लेकर के, तो अब आप लोग क्या चाहते हैं? क्योंकि जोगिंदर जी ने, सोनू ने, यहाँ के लोगों ने, तो इसलिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का भी हक बनता है क्योंकि वो जब वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वो भी बताएं कि वो क्या चाहते हैं।
हम ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट तक हमारी बात भी पहुंचाई जाए। आखिर हम यहाँ क्यों बैठे हुए हैं, इसका पूरा पूरा कारण सुप्रीम कोर्ट को मालूम होना चाहिए। और जो मध्यस्थ आएंगे हम उनका सम्मान करेंगे और हम उनसे यही कहेंगे जो हमारी परेशानी है उसको भी आप सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाइएगा, जिससे कि वो ये जाने हमारे बैठने का जो कारण है मुख्य क्या है। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग चूंकि लगातार शुरुआत से यहाँ आ रहे हैं और यहाँ पर देखिए दादियां भी बैठी हुई हैं और चूंकि पूरे मसले की जो पेश नहीं है वो दादी रही है, तो दादी अब सुप्रीम कोर्ट की कमेटी आने वाली है, आप लोगों से बात क्या क्या बात करेंगे? हम यही बात करेंगे, पहले उनकी सुनेंगे फिर अपनी बात करेंगे। हमें यू है और कुछ नहीं है, काला कानून वापिस ले लो, CAA NRC IPR सब वापिस ले लो, हम एक घंटे में उठ जाएंगे ना, हमें कोई शौक नहीं है ना घर छोड़ कर। अच्छा, अगर कल कमेटी आकर के, आप भी थी कल कमेटी आकर ये कहती है कि रोड खाली कर दो, तो रोड खाली करेंगे ऐसे उठ जाएंगे? उन पसेना को एक किया है, 2.5 महीना से इस तक जारा में हड्डी को गला लिया, सारी चीज कर लिया उठनी के लिए। जब तक हमारे फैसला नहीं देंगे, जब तक नहीं उठेंगे, बैठे रहेंगे। चलिए, ये चूंकि दादियां लगातार शुरुआत से इस प्रोटेस्ट का एक चिन्ह नहीं है, मोटो नहीं है, और इन दादियों का ये कहना है कि जब तक बिल्कुल कुछ कहना चाह रहा है। जी हाँ, सोनू बेटे ने हम सारी बातें बोल दी, सिर्फ हम एक बात उसमें जोड़ना चाहते हैं कि ये जो रास्ते की बात हमेशा हो रही है, रास्ता, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि शाहीन बाग ने रास्ता रोका नहीं, रास्ता दिखाया है। उसी रास्ते में चल के पूरा हिंदुस्तान शाहीन बाग बन गया है। हर जगह जितने पोस्टर्स हो रहे हैं सब शाहीन बाग के नाम से हो रहे हैं, कहा जा रहा है। कल एक साहब आए भोपाल से, वो बोले देखिए ये धरना प्रदर्शन लिखा है भोपाल का शाहीन बाग। इस तरह से पूरे हिंदुस्तान को हमने रास्ता दिखाया है। चलिए, उस रास्ते पर कमेटी आने वाली है और कमेटी से पहले आप लोगों की बात समझने की कोशिश कर रहे थे और मैं समझाने की कोशिश कर रहा था और ये लोग हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार इन्हें समझाने की कोशिश कर रही है। इस समझाने वाला शब्द बहुत दिनों से चल रहा है, आखिर समझेंगे कब और समझाएगा कौन, सवाल यहाँ पर ही उठता है। बहरहाल पल पल के अपडेट के साथ फिर आपके साथ जुड़ेंगे और बताएंगे कि क्या ताज़ा अपडेट शाहीन बाग।